75 दिन चला लोकसभा चुनाव अभियान कल गुरुवार को थम गया। बड़ी बड़ी रैलियों, चुनावी सभा और रोड शो का समापन हो गया। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी, जेपी नड्डा, योगी आदित्यनाथ और प्रियंका गांधी ने रैलियां की, तो वहीं ममता बनर्जी ने कोलकाता में 8 किलोमीटर लंबी पदयात्रा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंजाब के होशियारपुर में अपनी आखिरी रैली की। 7 चरणों वाले लंबे चौड़े चुनावी कार्यक्रम के दौरान सभी पार्टियों के दिग्गजों ने खूब जोर लगाया। इस दौरान पीएम मोदी ने 172 रैलियां और रोड शो किए। अमित शाह ने कुल 188 रैलियां रोड शो किए। पार्टी के चुनावी कार्यक्रम भी इसमें जोड़ लिए जाए तो संख्या 221 है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने 87 रैलियां की। वहीं विपक्ष की बात करें तो राहुल गांधी ने 107 रैलियां और रोड शो किए। अखिलेश यादव ने 69 रैलियां और 4 रोड शो किए, जबकि ममता बनर्जी ने 61 रैलियां और कई रोड शो और पदयात्राएं भी की। वहीं कांग्रेस की बात करें तो राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा और मल्लिकार्जुन खड़गे में से प्रियंका ने सबसे ज्यादा रैलियां की। प्रियंका गांधी 108 से ज्यादा रैलियां रोड शो किए, 100 मीडिया बाइट्स, टिकटैक और इंटरव्यू दिए, साथ ही 5 फुल प्रिंट इंटरव्यू दिए। वहीं खड़गे ने 100 से ज्यादा रैलियां की, 20 से ज्यादा प्रेस कॉन्फ्रेंस किए और 50 से ज्यादा इंटरव्यू दिए। बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की बात करें तो उन्होंने महागठबंधन की साझा घोषणा के बाद 6 अप्रैल से कुल 251 जनसभाओं को संबोधित किया। किसने कितनी रैलियां की? पीएम मोदी ने 172 रैली की, अमित शाह ने 188 रैली की, जेपी नड्डा ने 87 रैली की, राहुल गांधी ने 107 रैलियां की, अखिलेश यादव ने 73 रोड शो किए, ममता बनर्जी ने 61 रोड शो किए, प्रियंका गांधी ने 108 रोड शो किए, मल्लिकार्जुन खड़गे ने 100 रैलियां की। प्रचार अभियान समाप्त होते होते शुरुआती मुद्दे गौण होते नजर आए। शुरुआती चरणों में कम मतदान ने भी बीजेपी को चौकन्ना कर दिया। इससे विपक्षी पार्टियों ने दावे करने शुरू कर दिए कि एनडीए बहुमत हासिल नहीं कर सकेगा। बहरहाल अब जनता का फैसला ईवीएम में कैद हो चुका है। 4 जून को पता चलेगा कि किसके दावे में कितना दम है।